अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरम भट्ट और आप देख रहे हैं पॉपुलर टॉप थ्री। आए चलते हैं दिन भर की टॉप थ्री न्यूज़ पे। कौमी असम्बली का इजलास, फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए करारदार, जुम्मे तक मौखर। लेकिन नाज़रीन, आज जो कौमी असम्बली के हालात थे वो देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। आने वाली ख़बर के अंदर मैं आपको बताऊँगा। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक लबैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, ये कहना था शेख रशीद का, और मेरे ख्याल से ये एकदम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शेख रशीद साहब को मुज़ाकरात पहले ही कर लेने चाहिए थे, बनस्बतन अब जो उन्होंने किया, चलें देर आए दुरुस्त है। ये हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तरीके लबैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरी और आखिरी खबर की तरफ। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शाहिद ककान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। नाज़रीन, आज ये इजलास देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऐसे बाजार में हैं जहां पे दो लोग आपस में ऐसी नज़ेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शाहिद ककान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। नाज़रीन, ऐसा लग रहा था कि ये कोई कौमी असम्बली का इजलास नहीं, बल्कि मछली बाज़ार के अंदर दो लोग आपस में गुतम गुता और नज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अगर ये लोग पार्लियामेंटेरियन हैं तो मैं शर्मिंदा हूँ। ये थी आज की टॉप थ्री न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।